आईएफएसओ यूनिट ने एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह के 8 भारतीय ठगों को देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया है, जो चीन के ऐप से लोन दिलाने के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। अब तक लाखों लोगों से हजारों करोड़ की ठगी की जा चुकी है। एक बैंक खाते से पता चला है कि महज 15 दिनों में उसमें 8.25 करोड़ रुपए जमा हुए। ऐसे 25 खातों का पता चला है। पुलिस ने इनके पास से 16 डेबिट कार्ड, 22 चेकबुक, 26 पासबुक, 20 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 11 लाख बैंक खातों में फ्रिज, 3 कारें और 4 लाख कैश बरामद किए हैं। भारत में बैठे गैंग के गुर्गे ठगी कर रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर चीनी नागरिकों को हांगकांग, दुबई और चीन भेज रहे थे। आईएफएसओ यूनिट के पुलिस उपायुक्त केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली की एक युवती ने ब्लैकमेल कर वसूली की शिकायत पुलिस से की थी। पीड़िता ने बताया कि उसने गूगल प्ले स्टोर के जरिए लोन लेने के लिए कैश एडवांस नामक ऐप डाउनलोड किया था। ऐप पर दावा किया गया था कि बेहद कम ब्याज दरों पर लोन दिया जाएगा, यदि 90 दिनों के भीतर रकम वापस कर दी तो उस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। पीड़िता ने कुछ रुपए ऐप के जरिए लोन ले लिया। इस दौरान मोबाइल का डाटा ऐप के जरिए चोरी कर लिया गया। आरोपियों ने उसके व्हाट्सएप पर कुछ फर्जी तरीके से बनाई हुई अश्लील तस्वीरें भेजी। पीड़िता को ब्लैकमेल कर मोटी रकम की डिमांड की जाने लगी। पीड़िता की शिकायत पर आईएफएसओ यूनिट ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। 13 मार्च को इंस्पेक्टर मनोज कुमार व अन्यों की टीम ने पीतमपुरा और रोहिणी इलाके से रोहित कुमार, विविद कुमार, पुनीत और मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। पुनीत से पूछताछ के बाद उसकी पत्नी दिव्या को पकड़ा गया। इन सभी से पूछताछ हुई तो अगले दिन जोधपुर से कृष्णा और रविशंकर को दबोच लिया गया। यह भारत में सभी का सरगना था। इसका काम चीन में बैठे आकाओं को बैंक खाते उपलब्ध कराना था। यह लोग ठगी की रकम को बैंक खातों से क्रिप्टो करेंसी में बदल कर चीन व दूसरे देशों में बैंक अपने आकाओं को भेजते थे। पुलिस ने 3 चीन नागरिकों की पहचान की है। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने बाद में गुरुग्राम से सुमित को गिरफ्तार किया। सुमित से पूछताछ के बाद कॉल सेंटर चलाने वाले प्रमुख कार्तिक पांचाल और दीपक को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।